अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज़ और आज हम स्टार्ट करते हैं ऑटो कैड 2015 में लेसन नंबर 106। और आज के इस लेसन में हम एक फिफ्थ प्रोजेक्ट डिज़ाइन करेंगे जो कि मैकेनिकल से रिलेटेड है। और आज के इस लेसन में हम देखेंगे कि दो कोई भी जो प्रोजेक्ट हो, दो कोई भी शेप्स जो होती हैं या कोई भी ड्राइंग्स जो होती हैं, उनको आप आपस में मर्ज इस तरह करते हो। तो आज के जो प्रोजेक्ट होगा वो मैं आपको बताता हूँ। तो ये प्रोजेक्ट है आज का, इस पे काम करेंगे। और स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस लेसन में हमने इसके ऊपर डिस्कस किया था और उससे प्रीवियस लेसन में हमने ये चीज़ बनाई थी, और आज इन दोनों को हम मर्ज करना भी सीखेंगे कि इसको आप मर्ज कैसे कर सकते हैं। तो ये आप फिगर देख लें, और इसके लिए मैं ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। अब देखें, यहाँ पे कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, इस ऑब्जेक्ट की कोई डायमेंशन नहीं दी हुई, तो मैं अंदाजे के मुताबिक बनाऊंगा, बल्कि मैं ये जो चीज़ है ये इस ऑब्जेक्ट के लिहाज से बनाऊंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ से ऑटोकैड को ओपन करता हूँ। ओके, ऑटोकैड को ओपन किया और ये मेरे पास ये ड्राइंग बनी हुई है जो कि मैंने इससे पहले लेसन में बनाई थी, और आज के इस लेसन में इसी के ऊपर हम काम करते हैं। तो मैं यहाँ से टॉप व्यू पे आता हूँ और टॉप व्यू में मैं इसको यहाँ से करूँगा जी, या फिर मैं फ्रंट व्यू में आता हूँ। ओके, टॉप व्यू में मैं आता हूँ और टॉप व्यू में मैं इसको करता हूँ, यहाँ से रियलिस्टिक की जगह मैं करता हूँ 2D वायर फ्रेम। यहाँ से यहाँ तक रेक्टेंगल लिख लेता हूँ, आर ई सी एंटर करता हूँ, मूव करता हूँ इसको। ओके, अब इस पर मैंने काम करना है, तो इसके काम करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसको एक्सप्लोड करता हूँ, मैं यहाँ से तोड़ता हूँ, और तोड़ने के लिए मैं यहाँ से मॉडिफाई में एक कमांड है मेरे पास, एक्सप्लोड कमांड है, उससे मैं इसको तोड़ देता हूँ। और अब मैंने जो काम करना है वो क्या है जी, पहले तो मैं इसको यहाँ से यहाँ से यहाँ तक मैं क्या करता हूँ, ओ एंटर करता हूँ, और मेरे पास यहाँ से यहाँ तक का जो एरिया है ये आई थिंक 3 है, क्योंकि जो ड्राइंग मैंने बनाई थी उसमें मैं आपको बताऊँगा यहाँ मेरे पास यहाँ से यहाँ तक ये 3 है। तो अब डिस्टेंस डी आई एंटर करके आप देख भी सकते हैं। ओके, 3 है, और नीचे कितना है जी, डी आई एंटर करके यहाँ से यहाँ तक भी देखें 5 है। तो मिड पॉइंट दोनों का मैं लेता हूँ, बल्कि मैं यहाँ से यहाँ तक इसको पहले 3 है तो मैं इसको 1 करता हूँ, ओ एंटर 1 एंटर, यहाँ से यहाँ तक 1 किया, 1 करने के बाद मैं इसको इसके सेंटर से मैं एल एंटर करता हूँ। ओके, 5 है तो मैं इसे करता हूँ ओ एंटर 1.5 एंटर, 1.5 यहाँ पे देता हूँ, 1.5 यहाँ पे देता हूँ, और इसको यहाँ से तोड़ देता हूँ। तोड़ने के बाद मैं इसको भी ट्रिम करता हूँ, टी आर डबल एंटर, इसको और इसको, इसको और इसको, और यहाँ से इसको भी। नो, कंट्रोल जेड, यहाँ से इसको नहीं करना, बल्कि मैंने यहाँ से करना है जी, यस मैंने यहाँ से करना था जी, एल एंटर। टी आर डबल एंटर, ये जो है इनको ख़त्म करना है। ओके, यहाँ तक ये तो कंप्लीट हो गया, इसको अब मैं जाके देखता हूँ ज़रा टॉप व्यू में, जाके देखता हूँ कैसी ड्राइंग बनी है। ओके, सही है। अब दोबारा मैं इसको यहाँ से टॉप में आता हूँ। ओके, कॉपी करता हूँ इसको, सी पी एंटर। ओके, ये तो मेरे पास अलग से आ गया ड्राइंग, अब मैं इसको यहाँ से जोड़ता हूँ, एल एंटर, इसको यहाँ से डिलीट करता हूँ। अच्छा, वो चीज़ अलग है, ये जो चीज़ मैंने बनाई है, ये मैंने ये चीज़ बनाई है, बताता हूँ आपको, ये जो बनाई है मैंने, ये आप ये जो आपको नज़र आ रहा है ये चीज़ मैंने ड्रॉ किया है। अब इसके ऊपर से ये जो चीज़ है ये भी बनानी है मैंने, तो उसके लिए भी मैं यहाँ से हम करता हूँ। तो
क्योंकि ऐसा करता हूँ कि अब मैंने अपना जो ऑब्जेक्ट बनाया है तो इसमें यहाँ से यहाँ तक 1.3 ओ एंटर 1.3 एंटर करता हूँ। ओके अब ओ एंटर यहाँ से अब नीचे में जो लाऊंगा वो करूँगा जी 0.6 करता हूँ या 0.8 करता हूँ। ओ एंटर 0.8 एंटर और यहाँ से फिर ऑफसेट लेता हूँ ओ एंटर 1.3 एंटर। ओके यहाँ तक क्लियर हुआ। अब मैं इसको एल एंटर करूँगा और इसके मिड पॉइंट से यहाँ तक और यहाँ से अब इसका मिड पॉइंट नहीं है क्योंकि मैंने लाइन नहीं ली तो एल एंटर करता हूँ इस पॉइंट से इस पॉइंट में लेता हूँ और इसका मिड पॉइंट लूँगा एल एंटर यहाँ से यहाँ तक। ओके अब मैं इसको सर्कल लेता हूँ सी एंटर करता हूँ और जहाँ पे मेरे कॉर्नर जुड़ेंगे सर्कल के वहाँ तक मैं इसको ये लें। तो ये मेरे पास कॉर्नर जुड़ गए हैं सर्कल के तो मैं यहाँ से एक कंस्ट्रक्शन लाइन लेता हूँ एक्सेल क्योंकि मेरे फ्रंट वाले कॉर्नर जुड़े और ये वाले नहीं जुड़े तो इसको मैं यहाँ से ये एक्स ओके इसको छोड़ दें। आप यहाँ से ही काम करेंगे तो ये आपके पास बिल्कुल बराबर हो जाएगा लेकिन मैं फिर यहाँ से सी एंटर करता हूँ यहाँ तक और इसको डिलीट कर देता हूँ। ओके अब जो मैंने काम करना है वो ये है कि इसको मैं अब यहाँ से एस डब्ल्यू एस मैट्रिक व्यू में लेके आता हूँ और यहाँ से प्रेस पुल कमांड यूज़ करता हूँ। थोड़ा सर्कल साइज छोटा करता हूँ ताकि प्रेस पुल कमांड यूज करता हूँ। यहां से बल्कि एक्सट्रूड कमांड यूज करता हूँ इस सारे के सारे को इसको आर ई जी एंटर। प्रेस पुल कमांड से भी सारा काम हो सकता है लेकिन मैंने रीजन कमांड क्यों यूज़ की है ये मैं आपको बताऊंगा। एक्सट्रूड कमांड यूज़ करता हूँ और इसको मैं देता हूँ यहाँ पे 3। वहाँ से वहाँ तक जो हमारे था वो था तकरीबन 1 1 तक तो इसको मैं करता हूँ 0.3। ओके एक्सट्रूड कमांड यूज करता हूँ और इसको मैं यहां से जो करता हूँ जो 0.3 एंटर शेड देता हूँ चलिए प्रेस पुल कमांड से करते हैं और मैं इसको यहां से ये जो ऊपर है मेरे पास इसको मैं देता हूँ जी यहाँ पे 1 2 करता हूँ बल्कि इसके एरिया को भी 2 करूँगा। टू ये जो एरिया है पीछे जो एरिया आपके पास सेलेक्ट ना हो अगर तो आप रेक्टेंगल लेके भी आप इजीली कर सकते हैं तो इसको मैं 0.3 इसको भी 0.3 करता हूँ और उसको भी 0.3 0.8 कर देता हूँ।
और अब ये एरिया मेरे पास सेलेक्ट नहीं हो रहा, जब अगर सेलेक्ट ना हो तो आप क्या करें, रेक्टेंगल ले लें, आर ई सी एंटर करें, यहाँ से इस कॉर्नर से लेकर इस कॉर्नर तक रेक्टेंगल लें, और इसको भी आप क्या करें, प्रेस पुल, कितना जी, 0.8, 0.8 एंटर करता हूँ, ओके काम हो गया। और अब मेरे पास ये जो ऑब्जेक्ट हैं सारे ड्रॉ हो गए, अब मैं काम करता हूँ कि यहाँ से एल एंटर करता हूँ, जो मैंने चैम्फर देना, चैम्फर के लिए आप सी एच ए भी करके आप यहाँ से दे सकते हैं, तो सी एच ए एंटर करता हूँ, उसके लिए फेसेस जो सिलेक्ट करने पड़ते हैं इसका थोड़ा मसला होता है, डिस्टेंस के लिए डी एंटर करता हूँ, 0.3 देता हूँ, और अब यहाँ पे जो है चैम्फर कमांड यूज़ होगी, लेकिन थोड़ा सा उसमें मसला आएगा, लेकिन मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ कि मैं एक और काम करता हूँ, एल एंटर करूँगा यहाँ से यहाँ तक, एल एंटर किया और इसको एम्प्रिंट करता हूँ, एम्प्रिंट की कमांड जो है आपके पास सब पता क्या है, तो मैं यहाँ से एम्प्रिंट कमांड अप्लाई करता हूँ, अपने पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करता हूँ और इस एरिया को सिलेक्ट करता हूँ, और कह रहे हैं आप डिलीट करना चाह रहे हैं सोर्स को, तो मैं यस हाँ डिलीट करना चाह रहा हूँ, उसके लिए वाई एंटर करूँगा, यस एंटर करने के बाद मैं यहाँ से प्रेस पुल कमांड के थ्रू इस एरिया को, ये जो एरिया है इसको मैं यहाँ से इस साइड पे मूव करता हूँ, तो ये देखें खुद ही चैम्फर हो गया यहाँ से देख सकते हैं, तो ये आप यहाँ से चैम्फर कर सकते हैं, इसके अलावा आप टॉप व्यू में जाके भी तो आप इसको यहाँ से चैम्फर कर सकते थे। ओके तुम्हारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया, रेडी है, ओके अब मैं इसको यहाँ से आपको बताता हूँ, शेयर देता हूँ इसको मैं, ओके आपके पास देखें आपका ऑब्जेक्ट एक रेडी हो गया, देख सकते हैं, तो ये हमने अलग से बनाया भी था जिसमें मैंने चैम्फर कमांड और सारी कमांड अप्लाई की थी, अब मैं ज़्यादा टाइम यूज़ होता है इस वजह से मैंने इस पर शॉर्ट शॉर्ट कमांड टेक्निक्स अप्लाई किए। अब इसको जोड़ने के सारे ऑब्जेक्ट को आपस में जोड़ने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे सॉलिड यूनियन कमांड यूज़ करनी है और सारे पूरे ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है और राइट क्लिक करना है, तो ये सॉलिड यूनियन कमांड इस पर अप्लाई हो जाएगी। अब इस ऑब्जेक्ट का क्या करना है, इस ऑब्जेक्ट के लिए आपने क्या करना है, प्रेस पुल कमांड यूज़ करें और इसको सिलेक्ट करें सारे के सारे को, या रीजन कमांड यूज करें, आर ई जी एंटर, रीजन हो गया है, प्रेस पुल कमांड आप यूज करें या फिर एक्सट्रूड कमांड यूज करें, कितना करता हूँ जिसको मैं 0.3 कर देता हूँ, 0.6 कर देता हूँ, ओके अब इसका क्या फंक्शन है, इसको मैंने क्यों अप्लाई किया, इसको क्यों किया ये आपको बताता हूँ। अब इसका कलर चेंज कर दें, तो आप लेयर में जाएं, लेयर में अलग से आप लेयर बनाएं तो वहाँ से आप इसका कलर चेंज कर सकते हैं, और उसके अलावा मटेरियल भी अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी मर्जी आप जो भी करें, तो मटेरियल फॉर एग्जाम्पल मैं अप्लाई करता हूँ एम ए टी मटेरियल्स लेता हूँ मैं, इन दोनों ऑब्जेक्ट पे मटेरियल अप्लाई करता हूँ, इस पे हो गया मटेरियल अप्लाई, और अब इस पे भी मैं करता हूँ, इस पे ये वाला कर देता हूँ, इस पे ये वाला कर देता हूँ, ओके मूव करता हूँ एम एंटर, ये जो फालतू की लाइन्स इनको डिलीट करता हूँ, इसको भी मूव करता हूँ,
ये पीछे रीजन क्या हुआ, इसको डिलीट करता हूँ। ओके अब इनको एडजस्ट करता हूँ, एडजस्ट करने के लिए इसको मूव करूँगा एम एंटर और इसको सिलेक्ट करता हूँ, उसको उठा के इसके ऊपर लगाता हूँ। ओके हो गया। अब इसको भी मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको भी मैं सिलेक्ट करके इसको मैं यहाँ से रीजन करता हूँ, देखते हैं रीजन में कलर तो चेंज हो जाएगा या नहीं। कलर चेंज हो गया। ओके अब इसको मैं यहाँ से इस तरह करता हूँ कि इसको मैं उठाता हूँ एम एंटर कॉपी करता हूँ बल्कि सी पी एंटर सेलेक्ट किया स्पेस और यहाँ से इसको उठाता हूँ और इसको इस कॉर्नर पे रखता हूँ। ओके देख सकते हैं यहाँ पे एडजस्ट हो गया। और अब इसको मूव करना है तो मूव भी आप कर सकते हैं। तो मूव करने का क्या तरीका है, कॉपी इसको भी करता हूँ सी पी एंटर ओके मूव करता हूँ अब इसको इस साइड पे मूव कर दो ताकि इस साइड पे आ जाए। तो उसके लिए आप यहाँ से 3D मूव कमांड लें, अपने ऑब्जेक्ट सारे को सिलेक्ट करें स्पेस प्रेस करें और यहाँ से इसको मूव करता हूँ इस साइड पे, F8 प्रेस करें ताकि स्ट्रेट F8 ओके अब इसको मूव करता हूँ एम एंटर ओके जी आपका ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। और स्टूडेंट्स उम्मीद करता हूँ आपको इस लेसन की समझ आई होगी, और इसके अलावा इस लेसन पे हमने जो काम किया है देख सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक मैकेनिकल इक्विपमेंट आप यहाँ से इस तरह ड्रॉ करते हैं उसको एडजस्ट करते हैं। और इसके अलावा जो हमने इस पे काम किया है उसमें हमने जो मूव कमांड यूज़ किए, दूसरी चैम्फर फिलेट कमांड्स, और ये सारी कमांड्स मैंने आपको बताई हुई हैं कि आप 3D में किस तरह काम करते हैं और किस तरह इसको इन कमांड्स को अप्लाई करते हैं। तो देखें बिल्कुल सही हमारे पास एक ऑब्जेक्ट ड्रॉ हो गया। और अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।